क्षेत्र का मामला है। यहाँ पर एक, हालांकि बताया जा रहा है व्यापारी संघ के अध्यक्ष हैं सचिन जैन, जो एक अपने पड़ोसी की दुकान पर जाते हैं और हंगामा करने लगते हैं, जैसा कि हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे कि सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में सारा मामला जो है वो कैद हो गया है। हालांकि सारी आपबीती, या मैं आपको बता दूं, सारी आपबीती उसकी पत्नी ने और पीड़ित ने मुझे बताई है। हालांकि मामला दर्ज करा दिया है, लेकिन उसका वो पुलिस गैरतगंज पुलिस से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। उसका कहना है कि आए दिन हमें परेशान किया जा रहा था, जैसा कि उसका कहना है कि बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष भी रह चुके हैं शेखर चंदन, और वर्तमान में व्यापारी संघ के अध्यक्ष भी हैं गैरतगंज के। लेकिन इस तरीके से अभद्र व्यवहार करना एक दुकानदार से कहाँ से शोभा देता है। या मैं आपको बता दूं, काफी गंभीर मामला है, आपने देखा होगा कि ये उसकी दुकान पर पहुंचते हैं सुमित जैन की और धमकाते हैं उसको, गिरेवान पकड़ लेते हैं, सारा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है, और उसको वो दुकान बंद नहीं करता है तो उसका शटर पटक देते हैं, और शटर पटकने से पहले ये उसका जो सामान बाहर रखा हुआ होता है दुकानदार का, तो उसका सब सामान वो तितर बितर कर देते हैं। हालांकि काफी नाजुक मामला है, पीड़ित ने कई जगह इसकी शिकायत भी की है। हालांकि उसने एक गंभीर मामला जो है बंसल इसको बताया है कि इनकी भी जनरल स्टोर की दुकान है और आरोपी शेखर चंद जैन की भी जनरल स्टोर की दुकान है। उसका ये कहना है कि हमारी दुकान ज्यादा चलती है, इनकी दुकान कम चलती है, जिसके चलते जो है हमेशा जो है ये इस तरीके से जो हमें से खुन्नस निकालते हैं। बाकी काफी नाजुक मामला है, मामला पूरा पुलिस थाने पहुंच चुका है, मामला पीड़ित ने सुमित जैन ने गैरतगंज थाने में दर्ज करा लिया है। लेकिन अब ये देखना होगा कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है। लेकिन उसका ये भी कहना है कि आरोपी जो है सत्ताधारी पार्टी से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते उसको उम्मीद है कि हो सकता है कार्रवाई ना हो, लेकिन काफी नाजुक मामला है। बंसल न्यूज के कैमरे के सामने काफी देर तक उसकी पत्नी रोती रही, अपनी आपबीती सुनाती रही, जो हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल शुक्रिया आपका राशि की जानकारी के लिए।